कोरोना के बाद लगभग 2 साल बीत चुके हैं, उसके बाद पहली बारी जम्मू में दोबारा से हस्तशिल्पी जो है एग्जीबिशन आया है। ये एग्जीबिशन भारत के विभिन्न जो बुनकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनकी मदद से लगाया जाता है और डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट जगहों से अपनी मशहूर चीज़ें लेके यहाँ जम्मू में इस जगह पे आते हैं। कला केंद्र का ये एरिया है और हम आपको बता दें कि इस जो एग्जीबिशन में लगभग 200 जो बुनकार हैं वो अपना सामान लेके आए हैं और वो लोगों को दिखा रहे हैं। और उनका जो सामान है वो वहाँ यहाँ काफ़ी फेमस है क्योंकि प्योर सिल्क और कॉटन सिल्क का यहाँ पर ज़्यादा काम दिखाया जाता है और जो रेंज होती है वो भी बड़े शोरूम से बहुत कम होती है। तो अगर आप भी सिल्क के शौकीन हैं, सिल्क प्रेमी हैं, तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। कला केंद्र में ये एग्जीबिशन चल रहा है और 17 दिन के लिए रहेगा। यह है कि प्योर सिल्वर जरी में विद गोल्ड प्लेटेड, ये साड़ी, एक साड़ी बनाने में आपको है ना 3 मंथ लग जाएंगे। देखिए ऑल ओवर साड़ी में आपको ब्रोकेट वर्क आएगा, टिपिकल कांजीवरम। और ये वाली साड़ी पड़ेगी आपको 2 लैक्स। ऐसे ऑल ओवर साड़ी में ऐसा वर्क है। ये साड़ी बनाने में आपको 3 मंथ लग जाएंगे। इसमें आपको कम से कम है ना 10 लेबर्स काम करते हैं। हाँ देखिए, ओनली इन कांजीवरम। या और उसको ये साड़ी बनाने वाला भी है ना कम से कम देखिए 30-40 ईयर्स का एक्सपीरियंसड वीवर होता है। आजकल के जो भी वीवर्स होते हैं ना वो इतना हैवी वाला काम नहीं कर पाते। और इसका ब्लाउज भी देखिए समथिंग स्पेशल है, नॉर्मल ब्लाउज नहीं है, ब्लाउज पे भी आपको ऑल ओवर साड़ी में वर्क है। शादियों के सीज़न में तो ये वाली साड़ी बहुत सारी बिकती है। हम इधर जम्मू में स्पेशली बहुत सारी बिकाए हैं साड़ी से, हमारे रेगुलर कस्टमर से बहुत सारे। देखिए गणेश सिल्क है, दैट्स ए ब्रांड इन जम्मू, स्पेशली जब भी ये सिल्क इंडिया लगेगा ना तो गणेश सिल्क के नाम से बहुत फेमस है हम लोग। और हमारी साड़ी है ना हार्ट केक जैसा बिकती है, कांजीवरम। हाँ प्योर कांजीवरम साड़ी। नमस्ते, हमारा नाम अभिनंदन है, हम हस्तशिल्पी NGO है, मैसूर का है, उसमें मैं मैनेजर का काम करते हैं। हम लोग ये जम्मू में लास्ट 10 ईयर्स से हम लोग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करके आ रहे हैं साल का एक बार। लास्ट 2 साल से हम लोग एग्जीबिशन नहीं किया था, रीज़न है कोरोना का वजह से हम लोग, हमारा व्यूअर सब लोग एग्जीबिशन नहीं कर पाए था। अभी फर्स्ट एग्जीबिशन हम लोग जम्मू में कला केंद्र में कल से एग्जीबिशन शुरू किया है। ये एग्जीबिशन ये महीना 28 तक पब्लिक का अवेलेबिलिटी रहते हैं। इसमें सारा चीज़ आई मीन्स एक 18 स्टेट का प्रोडक्ट हम लोग एक ही जगह पे लेके आ चुका है। इसमें छत्तीसगढ़ का है, बाद में आसाम का है, बाद में कर्नाटका का है, तमिलनाडु का है, आंध्र का है, बाद में वेस्ट बंगाल का है, बाद में उत्तर प्रदेश का है। मेन चीज़ है इसमें बहुत अच्छे तरीके से सैरी से दुपट्टा है, ड्रेस मटेरियल है, बेडशीट है, कुर्ता से हर चीज़ सिल्क का वेराइटीज़ हम लोग एक छत का अंदर लेके आ चुका है। हम एक्चुअली पब्लिक का विनती करते हैं, ये 17 दिन का एग्जीबिशन है, बहुत सारा दिन है अभी, टाइम तो है, इसलिए आप आके देख के आपका पसंद, मन का पसंद होने का खरीदी कर देख के बाद में आके खरीदी कर सकते हैं। इसमें हमारा व्यूवर्स का सपोर्ट मिल जाएगा बहुत। इसमें बनारसी का चीज़ इधर क्या है, फास्ट मूविंग हम बोलने के लिए तो कर्नाटका का, बाद में तमिलनाडु का, बाद में बनारस का ज़्यादा पसंद करते लोग। वो लोग स्टॉल्स ले आया है, दुपट्टा ले आया है, ड्रेस मटेरियल लेके आया है, सैरीज लेके आया है। एक्स्पेशली वेडिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है खरीदी करने के लिए। वेडिंग के लिए हमारा कर्नाटका का मैसूर सिल्क है, शिफान सिल्क है, बाद में जारजेट है, बाद में तमिलनाडु का कांजीवरम है। ये रेंज भी 1200 से नहीं तो 1000-1200 से 2 लाख तक सैरी भी मिल जाएगा। मीन्स हर कस्टमर का मीन्स उसका क्या इंटेंशन है, हर चीज़ इधर मिल जाएगा। एग्जीबिशन जो
बारे में ये बताना था कि जम्मू में हम लोग एक साल डेढ़ साल के बाद रिटर्न आए हैं, और अब देखना ये है कि यहाँ पे किस टाइप का हम लोगों को रिस्पांस मिलता है इस बार। इससे पहले तो हम लोग जितनी बार भी आए अच्छा ही रिस्पांस मिला है, और इसी खुशी से आए हैं फिर से। तो क्या क्या मटेरियल और हमारे पास में बिहार का हमारे पास में सारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, जैसे कि ये मोम बाटिक होती है, और जाके मधुबनी भी मिल जाएंगी। ये देखिए, ये बिहार की एक्सपेंसिव होती है मधुबनी। ये बिहार की एक्सपेंसिव होती है, ये सिल्क में है, ये पूरे सिल्क में जी। क्या है अट्रैक्ट? और हमारे पास में जैसे साड़ियाँ मिल जाएंगी, लीलन की साड़ियाँ हैं, इसी में आपको प्रिंटेड भी आ जाएगा। ये प्लेन में है तो इसी का ये प्रिंट में भी है। अब रेंज कितने से कितने तक की है? ये सर आपको इसकी स्टार्टिंग प्राइस आती है 1450 की, और अगर इसी का प्रिंटेड लीजिएगा तो ये 1800 की आती है प्रिंटेड में। फिर हमारे पास में कोसा का मिल जाएगा, प्लेन में है, ये इसकी पल्लू हो जाएगी, ये बॉडी है, और ये इसका ब्लाउज पीस है, 1 मीटर का ब्लाउज पीस होता है, फुल साड़ी 6.5 मीटर की होती है। ये सिल्क आएगा प्योर पे, जमावर तंचुई पे होता है, ये रियल आएगा एकदम, और इसके बैक साइड पे कोई थ्रेड नहीं होता। अब ये देखिए, ये फ्रंट हो गया इसका, ये इसका बैक साइड है, इसमें कोई थ्रेड नहीं आता बैक साइड पे। ये 35 साल पहले ये बनता रही साड़ी, अब फिर से ये क्रेज पे आया, और इसमें जो इसका ब्लाउज पीस है वो आपको हैवी दे रहा है। ये देखो फुल ब्रोकेट का ब्लाउज आ रहा है इसमें, अलग चीज़ होता है, एकदम डिफरेंट लुक पे है। एक साड़ी मेरे पास ये है, ये देसी टेसर पे है, इसकी कॉस्टिंग प्राइस 65,000 है यहाँ पे, इस पर 20% रिबेट मिल रहा है, जो आपको ये 20% रिबेट के बाद 52,000 की पड़ रही है, इसको देसी टेसर बोलते हैं। इसमें एक साड़ी मेरे पास और है जो कम प्राइस का, इसका ये पीस है, ये सेल्फ होता है और वो फुल मीनाकारी पे आएगा। देखिए ये साड़ी, इसका ये देख सकते हो आप, ये 25,000 है, इसमें रिबेट 20% है, उसके बाद आपको ये पड़ रहा है 20,000 का। एक ये साड़ी है, ये 45,000 है, आफ्टर रिवर 36,000 का पड़ता है, ये प्योर सिल्क पे आएगा, इसको भी मीनाकारी वर्क बोलते हैं। एक इसी में एक और कम प्राइस पे इससे एक ये साड़ी आएगी, ये 35,000 का है, इसमें भी बैक साइड पे कोई थ्रेड नहीं होता, इसको तंचुई बोलते हैं। इसमें थोड़ा कम जरी का होता है, बाकी रेशम का होता है, इसमें भी कोई थ्रेड नहीं होता बैक साइड पे, ये इनकी खासियत है ये सब, ये देख सकते हो आप। कहाँ से? मैं बनारस से आया हूँ, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, तो अलग अलग रीजन के हम पोचमपल्ली और पट्टन सिल्क की तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है, और इस बार पहली बार कोई केरला से बेडशीट का भी स्टॉल लगा है, तो हमने बहुत सारी बेडशीट्स भी खरीदी हैं, तो ओवरऑल इट वाज रियली गुड बिकॉज बहुत ज़्यादा वैरायटी है टू चूज़ फ्रॉम, एंड मार्केट रेट से काफ़ी चीप है यहाँ पर, एंड क्वालिटी इज़ ऑल्सो वर्थ इट।